दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल छोटे अपडेट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड सरकार द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रही है, इसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें बताएंगे, कौन अप्लाई कर पाएंगे, क्या अप्लाई करने की प्रोसेस है और यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन होगी, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए बताते हैं सारी चीज़ें डिटेल्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं आप, ये जो है विषय निकाली गई है, ये झारखंड सरकार द्वारा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन अंतर्गत यहाँ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा ये निकाली गई है, जिसमें से ये जो है आपकी देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ स्वच्छता भारत मिशन ग्रामीण एवं नई योजना जल जीवन मिशन JJM हेतु राज्य की जिला और प्रखंड स्तरीय ये पद आपका निकाला गया है, जो कि PMU के का गठन है। ठीक है, तो चलिए और भी बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बता दें आपको कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए निकाला गया है, वो चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो जैसे देख पा रहे हैं यहाँ बहुत सारे गाइडलाइन दिए गए हैं, ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट देख सकते हैं कि ये जो है आपका पोस्ट है। ठीक है, जैसे कि आपको देख पा रहे हैं तालिका फर्स्ट में जल जीवन मिशन यानी कि राज्य स्तरीय का ये होगा। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टेट वाटर क्वालिटी यहाँ कॉन्स्टेंट का निकाला गया है, जिसमें से एक पोस्ट में निकाली गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ WQ असिस्टेंट का निकाला गया है, NABL यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्सपर्ट का निकाला गया है, जिसमें से यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें स्टेट IEC कोऑर्डिनेटर का निकाला गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ ME ऑफिसर का, MIS कोऑर्डिनेटर का निकाला गया है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वेतन माह सब चेरी सारी चीज़ें दे दी गई है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं असिस्टेंट MIS कोऑर्डिनेटर का निकाला गया है। ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं हाइड्रोलॉजिस्ट का निकाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर का, ट्रेनिंग असिस्टेंट का, रिसेप्शनिस्ट सम ऑफिसर असिस्टेंट का निकाला गया है। ठीक है, तो ये सारी के वेतन यहाँ पे देख दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्तर ये राज्य स्तरीय पर निकाला गया है, जिसमें से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्टेट को जो कि कॉन्स्टेंट MIS का निकाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट कॉन्स्टेंट ये देख सकते हैं IEC HRD और ये जो है आपका यहाँ पे SLWM के तहत निकाली गई है, जिसमें से यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑफिसर असिस्टेंट का भी निकाला गया है। नेक्स्ट ये जो है आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं ये आपका वेतन होगी जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि राज्य स्तरीय में ये भी आपका निकाली गई है, जिसमें से आपका ये जल जीवन मिशन की तरफ से निकाला गया है, ऐसे ये अकाउंट ऑफिसर का है, अकाउंट असिस्टेंट का, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट का निकाला गया है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे पद की यहाँ पे संख्या दी गई है, जिससे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी मानसिक वेतन की यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो किसके तहत दिया जाएगा, तो यहाँ पे आप संज्ञान देख सकते हैं, सैंपल ज्ञापक संख्या इतना 28/4/2016 के तहत आपको यहाँ पे अनुमति दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग मिशन, यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब यहाँ पे ग्रामीण राज्य स्तर का ये जो पोस्ट है ये आप देख सकते हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, अकाउंट असिस्टेंट का निकाला गया है, जिसमें से आपका यहाँ भी आपका वेतन इसी के अनुसार से दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे तालिका 3 में जो कि ये आपका दिया गया है जल जीवन मिशन के तहत, ये जो है आपकी टेक्निकल ऑफिसर का होगा जो कि प्रत्येक अंचल में एक होंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं CDO 2 के तहत यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 11 पोस्ट निकाली गई है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट वाटर कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, जिसमें से यहाँ 32 टोटल पोस्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लॉक टेक्निकल असिस्टेंट का है, टोटल 96 पोस्ट होंगे, तो इसी अनुसार से आपका यहाँ वेतन भी आपका यहाँ पर दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट बताते हैं, ये जो है आपका जिला यहाँ पे देख सकते हैं जिला एवं प्रखंड स्तरीय है, वो आपका पहले जो हम बताया वो राज्य स्तरीय था आपका, ये आपका जिला एवं प्रखंड स्तरीय आपका पदाधिकारी के लिए यहाँ पे निकाला गया है, जिसमें से आप यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जिला स्तरीय पदे हैं जो कि तालिका 4 में दिया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पर बता दें आपको डिस्ट्रिक्ट SBM सम SLWM कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, जिसमें प्रत्येक प्रखंड में एक होंगे, टोटल 32 दिए गए हैं, उसी अनुसार से यहाँ पे वेतन 40,000 दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देखते हैं ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर का है, प्रत्येक प्रखंड में 2 होंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 64 निकाली गई है।
तो ये आपका वेतन 12,000 दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर जल जीवन मिशन के तहत बात करें तो ये आपका यहाँ पे जिला स्तरीय निकाला गया है, जो कि MIS कोऑर्डिनेटर का है और IEC कोऑर्डिनेटर का है, ठीक है। तो 32 पोस्टें निकाली गई है, आपका वेतन यहाँ पे देख सकते हैं 35,000 रखी गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं चयन की प्रक्रिया की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका 5 मेंबर होंगे, ये मेंबर ही आपकी यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं निर्देशक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के एक वो अध्यक्ष होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं निर्देश विश्वा के ये सदस्य होंगे, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ पे 5 सदस्य का नाम दिया गया है, इन्हीं का सारा साइन होगा और इन्हीं के तहत आपका यहाँ पे सिलेक्शन कराया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट्स, यहाँ सारी चीज़ें बताते हैं आपको। जैसे कि उम्र सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी उम्र सीमा दे दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उम्र सीमा की सारी यहाँ पे दे दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आपका यहाँ आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, जैसे कि आपका यहाँ पे दिया गया है। पद का आरक्षण के लिए यहाँ पे दी गई है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बताते हैं यहाँ सारी चीज़ें और भी डिटेल्स में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी गाइडलाइंस दे दी गई है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो चयन प्रक्रिया में देख पा रहे हैं अगर बात करें तो यहाँ तालिका 1 से लेकर 4 तक में अंकित पदों के लिए ये आवेदन एवं प्रारंभिक मेगा सूची के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है आपकी यहाँ पे क्या क्या दिए गए हैं वो बताते हैं हम आपको। जैसे कि राज्य स्तर पे चयन हेतु सभी अभ्यर्थी PMU के यहाँ द्वारा ईमेल पर यहाँ पे मांगे जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ईमेल पे सारे डॉक्यूमेंट्स भेजनी होगी। यह चयन प्रक्रिया हेतु एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ईमेल यहाँ पे देख सकते हैं अपने राज्य कार्यक्रम के नाम से साथ ही बनाए जाएंगे, तथा ईमेल आईडी पर राज्य स्तरीय सभी आवेदन चयन हेतु आमंत्रित करेंगे। तो राज्य स्तरीय से एक अलग ईमेल बनाया जाएगा, तो आप जिस पोस्ट को अप्लाई करेंगे ध्यानपूर्वक अप्लाई करेंगे तो राज्य स्तरीय से जो ईमेल आईडी बनाया जाएगा और आप राज्य स्तरीय का पद पे अप्लाई करेंगे तो उस ईमेल आईडी पे आपको अपनी आवेदन को भेजनी है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे राज्य स्तरीय पर चयन हेतु सभी अभ्यर्थी यहाँ पे देख सकते हैं जिला के द्वारा एक ईमेल आईडी पर मांगे जाएंगे, ठीक है। प्रत्येक जिला चयन हेतु यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशल रिक्रूटमेंट ये जो है ईमेल आईडी आपके राज्य स्तरीय के नाम के साथ बनाए जाने वाले ये जो है आपका इस तरह का ईमेल आईडी बनाया जाएगा, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल का। और आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल अगर आपको अप्लाई करनी है तो डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पे ईमेल अपनी करनी होगी आवेदन का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, जैसे कि प्रत्येक पद जो कि अंतर्गत मार्किंग हेतु निर्देश शैक्षणिक योग्यता अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता संबंधित कार्य अनुभव यहाँ पे आपका दिया जाएगा, उसी अनुसार से आपको वहाँ पे पहले मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट अगर बात करें तो ये आपका दिया गया है प्रत्येक पद के लिए योग्यता स्तर स्कोर यहाँ पे निर्धारित करते हुए प्रक्रिया में यहाँ के और जो कि अंतर्गत प्रत्येक पद के लिए आपका यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता के अनुसार से आपको वहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए और भी बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे सारी डिटेल्स में दे दी गई है क्या क्या आपको यहाँ पे करनी है, सारी गाइडलाइंस दे दी गई है, ये आपकी दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं तालिका 2 का तालिका 3 का, तो ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कीजिए या मेरे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। तो चलिए इंपॉर्टेंट बता दें कि आपके यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो आपकी जो यहाँ पे दिया गया है कि शैक्षणिक योग्यता के अनुसार से यहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो कौन कौन यहाँ पे देख सकते हैं कि अकाउंट ऑफिसर के लिए अगर बात करें तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। ईज़िली पढ़ सकते हैं आप, ईज़िली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट वाटर क्वालिटी के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपका MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग बायोकेमिकल इंजीनियरिंग वाटर यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं सारी कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे दे दी गए हैं कि कौन पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और किसी प्रकार की कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।